एक साल में 75 लाख बच्चे, ये नहीं है आंकड़ा, 75 लाख बच्चे का मौत 6 महीने के अंदर हो रहा है। आधा आबादी जो कुपोषित है, सरकार की संपत्ति सीधा उनके तिजोरी में डाल रहे हैं। एक साल में अंबानी और अदानी के लिए कर्जा माफी कितना किया है, तो है देश प्रेम का जो नाटक दिखा के देश के ऊपर हमला है करके, तब भी लोगों ने वोट दिया। हमारी जो बच्चों का नौकरी है उसको भी अग्निवीर बना के आग में डाल रहे हैं कि उसको भी कॉन्ट्रैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो सारा मंत्रियों का भी एक एक साल का नौकरी बना लो, देश को ही बेचने का और प्राइवेट आर्मी बनाने का ही तरफ जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। जंतर मंतर वो जगह है दिल्ली की जहाँ पर रोजाना कोई ना कोई प्रदर्शन होते रहते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के समर्थन में। और आज एक अलग सा दिन दिखाई दे रहा है जंतर मंतर पर। जंतर मंतर के हर कोने में, हर तरफ कोई ना कोई प्रदर्शन चल रहा है। ये सरकार के द्वारा घोषित प्रदर्शन करने की जगह है। मैं एक एक करके सभी प्रदर्शनों के बारे में आपको बताऊंगा और हमने सभी प्रदर्शन कवर किए हैं आज, और इन सब प्रदर्शनों में कुछ समान बातें भी हैं। समान बातें ये हैं कि ये सभी लोग इस वक्त जंतर मंतर पे, हजारों की भीड़ है, मैं बता दूं आपको, हजारों की भीड़ है, और ये सभी सरकार से त्रस्त हैं। सरकार से त्रस्त अलग अलग कारणों से हैं, अलग अलग वजहों से हैं। सभी के मुंह पर एक ही सवाल है कि ये सरकार, ये राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार क्यों जनता विरोधी बनती जा रही है और क्यों जनता विरोधी सरकार है ये। हमने ही इसी सरकार को वोट किया था और हम ही इस सरकार की नीति से पिस रहे हैं, ऐसा ये यहाँ पर मौजूद जनता कह रही है। सबसे पहले तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सैकड़ों की संख्या में देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग ये है कि 30-35 साल की नौकरी करने के बाद भी इन्हें केंद्र का या राज्य का एम्प्लॉय नहीं माना जाता है और इनको वेतन के नाम पर महज मानदेय दे दिया जाता है। वेतन नहीं, समझिएगा इसको, वेतन और मानदेय में फर्क है, महज मानदेय दे दिया जाता, सम्मान राशि। अब सम्मान, अब राशि सम्मान के लिए है तो सम्मान तो थोड़ा ही होगा, और उसमें उनका घर कैसे चलता है वो यही लोग जानते हैं। आज तक ये पक्के नहीं किए गए हैं। 1995 में ये संस्था बनाई गई थी जिसमें आंगनवाड़ियों को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भर्ती किया गया था, लेकिन 1995 से लेकर आज 2022 में आज तक ये महिलाएं रिकग्नाइज नहीं की गई हैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मैम आज क्या मांगे लेके आए हैं? मांग यही है कि ICDS को पक्का बनाओ। ICDS है विभाग नहीं है, एक योजना है, उसको पक्का भी बनाओ और उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और खाने के लिए पूरा आवंटन समेत पूरा पक्का उसको बनाना है और उसके लिए बजट में आवंटन देना है। और जो सेवाएं ICDS में दे रहे हैं कुपोषण के खिलाफ में, वो सेवाएं देने वाले आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर है, तो उनको पक्का कर्मचारी घोषित करो और उनके लिए न्यूनतम वेतन और पेंशन और बाकी सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करो। और ये भी नहीं, हमारा ट्रेड यूनियन अधिकारों पे भी हमला है और वो ट्रेड यूनियन अधिकार और जो नौकरी से लोगों को आंदोलन के लिए निकाल दिया जा रहा है उसको बहाल करो और आगे भी हमारे लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन बनाए रहे। अच्छा, गवर्नमेंट ये कहती है मैम कि अगर हम इतने सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को, मतलब जो कि सैकड़ों की संख्या में, उनको अगर हम पक्का कर देंगे तो यूनियन बजट पर, स्टेट बजट पर बहुत ज़्यादा खर्च पड़ेगा। खर्च तो पड़ना है, आज भारत में आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहे हैं, आज भी पूरे भारत सरकार के आंकड़े के मुताबिक एक साल में 75 लाख बच्चे, ये नहीं है आंकड़ा, 75 लाख बच्चे का मौत 6 महीने के अंदर हो रहा है। और जो बच्चे पैदा होता है, 1 करोड़ 75 लाख बच्चे जिंदा बचता है, उनमें से आधा आबादी जो कुपोषित है, उसका ना कद है, ना उसका दिमागी विकास है, ना शारीरिक विकास है, तो ये, और उसमें से भी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे को एड्रेस करने के बिना
कौन सा मुद्दा, कौन सा तरक्की भारत सरकार कर रहे हैं, तो ये जिस पे ये जनता के जिंदा बचाने के लिए जो खर्चा भारत सरकार को करना चाहिए। अभी कितना आपने जीडीपी का कितना परसेंट है, आधा परसेंट भी खर्चा नहीं कर रहे हैं कि आपकी जो इतनी जो जनसंख्या में बच्चे हैं तो उसका 16 करोड़ बच्चे हैं, 6 साल से कम है, उसके लिए खर्चा करने के लिए आप कितना जो पैसा है, ये तो फ्यूचर के लिए। गवर्नमेंट कहती है बड़े चैलेंजेस ज्यादा हैं हमारे पास, उसको ये बड़ा चैलेंज मानती नहीं है। तो जो जनता जिंदा रखना उनका चैलेंज में नहीं है, और वही हम लोग भी बोलते हैं ये जनता विरोधी है, जनता के लिए नहीं है। एक साल में अंबानी और अदानी के लिए कर्जा माफी कितना किया है उसी का ही आंकड़ा सरकार रिलीज कर ले, और जो बैंकों के अंदर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम पे जो इनका कर्जा माफी अलग सा भी कर रहे हैं, टैक्स का भी छूट दे रहे हैं, और जो उनसे जो बैंक में लोन दे रहे हैं उसका भी छूट दे रहे हैं, तो उसका आंकड़ा दे दो। लाखों करोड़ों का रुपया में आता है कि कम से कम पिछले 2-3-4 साल में 5 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्चा उसमें किया है उनको माफ़ी देने के लिए, और 8 करोड़ जो बच्चे हैं ICDS जो कवर करते हैं, और 2 करोड़ माएँ हैं, और उनके लिए जो है सिर्फ 16 हज़ार करोड़ रुपया भी नहीं है, तो ये कौन सा खर्चा कर रहे हैं। और आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है इनका जो काम है ये पक्का काम है, फुल टाइम काम है, और इनका ग्रेटुइटी का हकदार है ये, उनको देना चाहिए, और इनका जो वेजेस को वेजेस नहीं बोलते हैं, ऑनरेरियम बोलते हैं, ये ऑनरेरियम नहीं है, वेजेस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और इसको उसका जो है वर्किंग कंडीशन में सुधार भी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो उसको लागू करवाने का मांग लेके हम आए हैं। अच्छा, अडानी अम्बानी की बात आपने की, गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि हम अडानी अम्बानी जो भी इतने बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनको सहूलियतें इसलिए देते हैं क्योंकि वो GDP में एक तो बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, और दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ये दो कारणों के की वजह से हम उन्हें टैक्स का बेनिफिट ज़्यादा देते हैं। पिछले जो है अगर 5 साल में अंबानी और अदानी कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, उनका इनकम तो जनरेट हुआ है सरकार, क्योंकि सरकार की संपत्ति सीधा उनके तिजोरी में डाल रहे हैं, ये टेक ओवर हो रहा है, नो कोई नया इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहे हैं, नया कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रहा है, ये टेक ओवर हो रहा है, जो भी बाकी जो चीज़ों जो है या जो छोटे उद्योग है उसका टेक ओवर हो रहा है और मोनोपोलाइजेशन हो रहा है, और इसमें कोई ये नहीं हो रहा है। नया एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट किया अंबानी ने, कितना अदानी ने जनरेट किया, सरकार आंकड़ा बताए हमें, और यहाँ पे बेरोजगारी इतना ज़्यादा हो गया कि पिछले सालों में, कि इसलिए तो ऐसा नौकरी में लोग जाने पे मजबूर हो रहे हैं, और आज भारत के अंदर में महिलाओं का जो है वर्क पार्टिसिपेशन है 16% है, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी महिलाएं जो है कि 85% महिला यूं बैठे हैं, तो ये 16% के अंदर में भी ये महीने में 2,250 रुपया मिलने वाले आंगनवाड़ी हेल्पर भी है उसके अंदर में 13 लाख, तो इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट भी कहाँ पे जनरेट हो रहा है ना। 8 घंटे का वेतन, 8 घंटे का ड्यूटी और न्यूनतम वेतन लागू नहीं है, वो कानून भी हटा रहे हैं, तो किस तरीके का ये एम्प्लॉयमेंट भी जो जनरेट हो रहा है उसका भी क्वालिटी क्या है जो जनता को जिंदा ना बचा पाए। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर सभी महिलाएं हैं, और इस गवर्नमेंट को सरकार में लाने के लिए महिलाओं का ही वोट बहुत बड़ा एक चंक है, तो फिर ये कॉन्ट्रास्ट कैसे है कि एक तरफ महिलाओं की आप बता रही हैं महिलाएं विरोधी सरकार है, और दूसरी तरफ महिलाएं ही ज़्यादा सपोर्ट कैसे कर रही है, ये दो तरफा कैसे हो सकता है? सपोर्ट किया था, और यही था कि यही सपना जो है यही भूल किया था UPA सरकार ने, जो इसलिए जो है उसका जो नीतियों के खिलाफ ICDS मिशन लेके आया था UPA सरकार ने, जो ICDS को ख़त्म करने के लिए, उसका निजीकरण करने के लिए, उसके खिलाफ में आंदोलन हुआ था, और तभी तो अच्छे दिनों का सपना दिखाया था, अच्छा दिनों के सपना दिखा के जो आया है पहली बार सत्ता में, तभी जो लोगों ने उसका पूरा वोट दे दिया, महिलाओं ने दिया, आंगनबाड़ी वाले ने, तो गाँव वाले को भी इकट्ठा करके वोट दिया था, लेकिन आज के दिन वो 5 साल भी निकल गया। उसके बाद 2019 के अंदर में लोगों ने ये पहचान रहे थे, तभी जाके पूरा जो ये एक जो है देश प्रेम का जो नाटक दिखा के देश के ऊपर हमला है करके, तब भी लोगों ने वोट दिया, लेकिन आज के दिन में लोग पहचान रहे हैं, आज के दिन में ये देश प्रेमी वाले जो है हमारी जो बच्चों का नौकरी है उसको भी अग्निवीर बना के आग में डाल रहे हैं, कि उसको भी कॉन्ट्रैक्टराइजेशन कर रहे हैं खुद जो डिफेंस सर्विसेज को, तो ये अभी जो है उसमें तो डिफेंस का ये लॉजिक है कि हमारी जो आर्मी की एवरेज एज है वो 32 के पास है, हमें उसे घटा के 23-25 के पास लेके आना है, इसीलिए हमने शॉर्ट टर्म सर्विस का ये जो है प्रावधान लेके आए। जो आर्मी के जो उसका जो डिटेल में जाने का मैं नहीं चाहती, यहाँ पे मुद्दा अलग है, लेकिन बात यही है
कि वो एवरेज एज हटाना है या उसका क्वालिटी बढ़ाना है। एवरेज एज के लिए कोई इंसान ठेका लेके रखा है, ये तो लोगों का आंख में थोल छूकने का बात है कि एवरेज एज क्यों घटाएंगे। जो एक्सपीरियंस है, एक आर्मी मैन को ट्रेनिंग देने के लिए मिनिमम कितना साल लगता है, और उसको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई युद्ध आ गया या कोई इमरजेंसी आ गया, और ये देश के अंदर में भी ऐसा कोई आपत्ति आ गया तो उसके अंदर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो फिर तो सारा मंत्रियों का भी एक एक साल का नौकरी बना लो, एमपीओं को भी वापस बुलाने का कानून क्यों नहीं लेके आता है, उनका एज भी कटौती क्यों नहीं करते हैं। तो ये तो सारा यही है, ये पूरा डिफेंस का जो कैंसुलाइजेशन और कॉन्ट्रैक्टराइजेशन हो रहा है, और इसका बहुत बड़ा बहुत खतरनाक इम्पैक्ट होने वाला है देश की जो डिफेंस के ऊपर में भी, और ये पूरा देश को ही बेचने का और प्राइवेट आर्मी बनाने का ही तरफ जा रहा है। मैम बहुत ही संगीन आरोप लगाते हैं कि ये देश को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करने का आंदोलन है, ये पूरे देश को माफ़ कीजिएगा आंदोलन नहीं प्रक्रिया है, ये पूरे देश की युवाओं को मिलिटराइज करने की प्रक्रिया है। ये सारे सवाल हैं आपको पूछने चाहिए सरकार से। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि हम आपके आप तक सवाल लेकर आते हैं, मुद्दे लेकर आते हैं, और आपको वो तय करना है कि वो मुद्दे आपके सरोकार के हैं कि नहीं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं धारण, जंतर मंतर से नेशनल दस्तक के लिए रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।